माँ बस आती ही होंगी, जल्दी से उनके लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बना देती हूँ, वो देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। लेकिन पहले लकड़ियाँ तो जला लो, तभी तुम कुछ बना पाएंगे। उफ, चूल्हे में लकड़ियाँ जलाना कितना मुश्किल काम है, चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। हाँ सितारा, मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये कहते हुए तारा सितारा, जो कि जुड़वा बहने थी, खांसने लगी। इतने में उनकी माँ सुमित्रा कुएं से पानी भरकर लौटी और अपनी दोनों नन्ही बेटियों को चूल्हे के पास देख उनसे बोली, अरे तुम दोनों चूल्हे के पास क्या कर रहे हो, चलो उठो वहाँ से। माँ, हम आपके लिए खाना बना रहे थे। पर बिटिया, खाना बनाना बच्चों का खेल नहीं है, जरा सी लापरवाही से दुर्घटना हो सकती है। जल्दी इधर आओ, खाना मैं बना लूंगी। नहीं माँ, आज हम दोनों ही खाना बनाएंगे, आप थक कर आई होंगे, आराम कर लो। अच्छा ये तो बताओ, तुम बना क्या रही हो? आलू के पराठे। तुम दोनों को आलू के पराठे बनाने आते भी हैं? हाँ माँ, सितारा को आते हैं, ये मुझे बता रही थी कैसे बनाते हैं पराठे। अच्छा बताओ सितारा, कैसे बनाते हैं आलू के पराठे? माँ बहुत आसान है, सबसे पहले रोटी बनाओ, फिर उस रोटी के बीच में आलू भर कर रख दो, बन गया आलू का पराठा। अरे वाह, मेरी दोनों बेटियाँ तो बड़ी सयानी हो गई है। चलो अच्छा, तुम दोनों ही बनाना पराठे, लेकिन तुम दोनों मुझे थोड़ी मदद तो करने दोगी ना? हाँ माँ, क्यों नहीं। अच्छा ठीक है, तुम दोनों पहले मुझे चूल्हा जलाने दो। ऐसा कहकर सुमित्रा ने पहले चूल्हा जलाया, उसके बाद उस पर आलू उबालने के लिए रख दिए। तभी सितारा एक बड़े बर्तन में आटा निकाल लाई। माँ, मैं आटा गूंदूं? हाँ, लेकिन पानी धीरे धीरे करके डालना, वरना गरीबी में आटा गीला हो जाएगा। मतलब? मतलब कि ज्यादा पानी डालोगे तो आटा पतला हो जाएगा और पराठा बन नहीं पाएगा। ठीक है माँ। सितारा ने अपने नन्हे हाथों से आटा गूंथते हुए आटा अपने बालों में लगा लिया। ये देख सुमित्रा मुस्कुरा उठी। फिर तीनों माँ बेटी ने मिलकर आलू के पराठे बनाए। उसके बाद सुमित्रा ने तारा सितारा को आलू का पराठा परोसा। माँ, आलू का पराठा बहुत स्वादिष्ट बना है। आप भी खाओ ना। मैं बाद में खा लूंगी, तुम दोनों पेट भर खा लो, तुम दोनों को बहुत पसंद है ना? तारा सितारा ने पेट भर आलू के पराठे खाए। उसके बाद सुमित्रा अपने दोनों बेटियों से बोली, अच्छा सुनो, मैं जंगल में लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ, तुम दोनों को शैतानी मत करना और एक दूसरे का ख्याल रखना। तभी सितारा सुमित्रा को एक पोटली थमाते हुए बोली, माँ इसमें आलू के पराठे हैं, आपने अपने हिस्से का खाया ही नहीं, रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेना। इसके बाद सुमित्रा दोनों जुड़वा बच्चियों के सर पर हाथ फेरकर जंगल की तरफ चल पड़ी। कुछ ही देर में सुमित्रा सूखी लकड़ियों की तलाश में जंगल के बीचों बीच आ गई। तभी अचानक सुमित्रा को भूख सताने लगी, फिर वो पेड़ की छांव में बैठ गई। चलते चलते भूख लगने लगी, चलो पहले अपनी भूख मिटा लेती हूँ, उसके बाद सूखी लकड़ियाँ ढूंढूंगी। इतना कहकर सुमित्रा ने जैसे ही पहला निवाला खाया, तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी, तुम्हें तो अपनी भूख से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन मुझे मुक्ति कब मिलेगी? कौन है यहाँ? क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मैं इतने समय से लोगों को आवाज़ दे रही थी, लेकिन मेरी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। लगता है आज मुझे मुक्ति मिल जाएगी। हाँ मैं तुम्हें सुन सकती हूँ, लेकिन तुम हो कौन और मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? सामने देखो, तुम्हें एक मटका दिखाई दे रहा है, मैं उसी के अंदर कैद हूँ। पर तुम्हें इस मटके में किसने कैद किया? पहले तुम इस मटके में पानी की 3 बूंदें डाल दो, फिर मैं बाहर आकर तुम्हें सब बताऊंगी। सुमित्रा ने ठीक वैसा ही किया और 3 बूंद पानी के डालते ही वो मटका फूट गया और उस मटके में से एक सुंदर परी बाहर निकली। ये देख सुमित्रा हैरानी से बोली, अरे तुम तो एक परी हो, पर तुम इस मटके में कैसे आई? मेरा नाम फ्लोरा परी है, एक शैतान जादूगर ने मुझसे मेरा जादू छीनकर मुझे इस मटके में बंद कर दिया था, लेकिन तुमने मुझे आजाद कर दिया, साथ ही मेरी शक्तियाँ भी लौट आई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। परी, आपके पास बहुत सारी शक्तियाँ होंगी ना, तो बताओ ना मेरे बच्चियों का भविष्य कैसा होगा? रुको मैं अभी बताती हूँ। इतना कहकर परी ने अपनी आँखें बंद की, फिर परेशान होते हुए अपनी आँखें खोलते हुए बोली, हे भगवान। क्या हुआ परी? तुम्हारी दोनों बेटियाँ आज अनाथ होने वाली हैं। क्या मतलब मेरी बेटियाँ अनाथ? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब कि तुम आज मरने वाली हो, इसी जंगल में तुम्हें आज एक जहरीला सांप डस लेगा। मेरे दो जुड़वा बच्चियाँ हैं, मैं मर गई तो वो तो अनाथ हो जाएंगी, उनका ख्याल कौन रखेगा? कृपया कर मुझे बचा लो। विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता, पर मैं तुम्हारे उपकार का बदला जरूर चुकाऊंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारी दोनों बेटियों का ख्याल रखूंगी, उन्हें कभी खाने पीने और किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। सच परी, आप वादा करती हो?
हाँ मैं तुमसे वादा करती हूँ। अच्छा मुझे परी लोक वापस जाना होगा। इतना कहकर परी आसमान में उड़ गई और सुमित्रा उसे जाते हुए देखने लगी। तभी उसके पैर में सच में एक जहरीले सांप ने डस लिया और सुमित्रा की मौके पर ही मौत हो गई। उधर देर शाम तक जब सुमित्रा अपने घर नहीं पहुंची तो उसकी दोनों बेटियां तारा सितारा घर के बाहर उसका इंतजार करने लगी। तभी वो परी उस टूटे फूटे घर में चुपके से आई और वहां अपने जादू से एक लकड़ी का फ्रिज रखकर चली गई। जब सुमित्रा वापस घर नहीं लौटी तब दोनों बच्चियां वापस घर के अंदर आईं। फिर लकड़ी का फ्रिज हैरानी से देखते हुए सितारा बोली, ये कहां से आया? मुझे क्या पता, पर ये है क्या? ये तो फ्रिज है, पर लकड़ी का फ्रिज मैंने आज पहली बार देखा है। फ्रिज? हाँ फ्रिज, इसमें लोग ठंडा पानी और खाना रखते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है, माँ भी अभी तक नहीं आई, देखना इसके अंदर कुछ खाने को है क्या। इस लकड़ी के फ्रिज के अंदर क्या होगा? इतना कहकर सितारा ने जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खोला वो हैरान रह गई, क्योंकि उस फ्रिज के अंदर ठंडा शरबत, ढेर सारे ताजे ताजे फल और बहुत सारा बढ़िया खाना रखा हुआ था। फिर दोनों जुड़वा बहनों ने खुशी खुशी पेट भर खाना खाया। तभी तारा बोली, वाह आज तो खाना खाकर मजा ही आ गया, लेकिन एक गुलाब जामुन मिल जाता तो और भी मजा ही आ जाता, मैं फ्रिज खोलकर देखूं क्या? ये कहते हुए तारा ने जैसे ही लकड़ी का फ्रिज खोला अंदर ढेर सारे गुलाब जामुन रखे हुए थे। ये देख तारा सितारा दोनों खुशी से झूम उठी। उन्हें समझ आ गया था कि वो लकड़ी का फ्रिज जादुई है और उनकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। अगले दिन गांव के कुछ लोग लकड़ियां लेने जब जंगल गए तो उन्हें वहां सुमित्रा की लाश मिली। सब गांव वालों ने मिलकर बेचारी सुमित्रा का अंतिम संस्कार किया। वहीं तारा सितारा अब बिल्कुल अनाथ हो चुकी थी, लेकिन परी का जादुई लकड़ी का फ्रिज होने की वजह से उन्हें खाने पीने या फिर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब तो तारा सितारा जादुई फ्रिज से पढ़ने के लिए किताबें मांगती तो कभी नए नए कपड़े, जो वो मांगती उनकी इच्छा झट से पूरी हो जाती। लेकिन एक दिन इस बारे में उनके पड़ोस में रहने वाली विमला को पता चल गया। अच्छा तो इन अनाथ लड़कियों के पास जादुई लकड़ी का फ्रिज है, तभी ये दोनों इतना मौज उड़ा रही है। ये जादुई फ्रिज तो मेरे पास होना चाहिए। फिर रात के समय तारा सितारा के सो जाने के बाद वो चुपके से उनके घर में घुसी और जैसे ही उसने फ्रिज उठाने की कोशिश की, उफ ये लकड़ी का फ्रिज तो बहुत भारी है, पहले इस फ्रिज को खाली करना पड़ेगा। जरा देखूं तो क्या क्या बढ़िया चीजें भरी है जादुई फ्रिज में। इतना कहकर विमला ने जैसे ही फ्रिज खोला तो उसमें से ढेर सारे जहरीले सांप बाहर निकलने लगे। ये देख विमला पूरी तरह चीख पड़ी। तभी तारा सितारा की नींद भी खुल गई। अरे विमला मौसी, आप हमारा फ्रिज चुरा रही थी। चोरी करना पाप होता है, आपको तो पता है ना? मुझे माफ कर दो, मुझे इन सांपों से बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। ठीक है, पहले वादा करो कभी किसी की चीज नहीं चुराओगी। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हारे फ्रिज को कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगी और न ही किसी के चीज चुराने की कोशिश करूंगी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। विमला के इतना कहते ही सभी सांप गायब हो गए और विमला वहाँ से भाग खड़ी हुई। उसके बाद रोते हुए तारा सितारा उस फ्रिज से ऐसे लिपट गई जैसे अपनी माँ से लिपट जाया करती थी। दोनों की आँखों में आंसू थे, उन्हें अपनी माँ की याद आ रही थी। तभी उन्होंने फ्रिज खोलकर देखा तो फ्रिज के अंदर आलू के पराठे थे, जिनका स्वाद उनकी माँ के हाथों के बनाए गए पराठे जैसा था। दोनों ने बड़े चाव से पराठे खाए और अपनी माँ को याद कर एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में लक्षिता अपने भाई विजय और भाभी निम्मी के साथ रहती थी। कुछ समय पहले ही लक्षिता के माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से लक्षिता अपने भाई और भाभी पर पूरी तरीके से निर्भर थी, जिसका फायदा निम्मी बहुत अच्छी तरह से उठाया करती थी। निम्मी लक्षिता से पूरे घर का काम करवाती थी। अरे ओ महारानी, सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी भी तू पलंग पर ही बैठी है, मेरे लिए चाय और नाश्ता कौन बनाएगा? पर भाभी, खाना तो आप बनाती हो, मुझे तो खाना बनाना नहीं आता, मैं तो बाकी घर के काम करती हूँ ना। मैं खाना बनाती थी, लेकिन अब से ये काम भी तू ही करेगी। आज तेरे भैया महीने भर के लिए दूसरे शहर गए हैं, इसलिए इन दिनों में तू अब खाना बनाना सीखेगी और अब से खाना और घर का बाकी काम तू ही करेगी। बेचारी लक्षिता कहना तो बहुत कुछ चाहती थी,
परंतु वो जानती थी कि उसकी भाभी कैसी है, इसलिए वो कुछ नहीं कहती। और अब घर के बाकी काम के साथ साथ वो रसोई का काम भी संभालने लग जाती है। रसोई का काम करते करते कई बार उसका हाथ जल जाता था और कई बार उसका हाथ कट भी जाता था, क्योंकि उसे रसोई कैसे संभाली जाती है इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और ना ही रसोई में उसकी मदद करने वाला कोई था। बेचारी लक्षिता अपनी भाभी के अत्याचारों की वजह से बहुत परेशान रहती थी और अपने माता पिता को हर वक्त याद करती रहती थी। माँ पापा, अगर आज आप लोग यहाँ होते तो शायद भाभी मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करती। जब आप लोग थे तब आप लोग मुझे कितना प्यार करते थे और उस वक्त तो भाभी भी अपना सारा प्यार मुझ पर लुटाती थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। भाभी की वजह से मुझे बीच में ही मेरा फैशन डिजाइनिंग का कॉलेज छोड़ना पड़ा और भाभी के आगे तो भैया की भी नहीं चलती। काश आप लोग मुझे भी अपने साथ ले जाते तो कम से कम मुझे ये सब सहना तो नहीं पड़ता। ये सब सोचकर लक्षिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि तभी उसकी भाभी उसे आवाज लगाते हुए कहती है, लक्षिता कहाँ मर गई? एक कप चाय बनाने में इतना टाइम लगता है क्या? लाई भाभी। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन लक्षिता को पता चलता है कि कॉलेज के ड्रॉप आउट बच्चों को वापस से एडमिशन मिल रहा है। ये खबर सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और अपनी भाभी के पास आती है। भाभी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। भाभी मैंने सुना है कि मेरे कॉलेज के ड्रॉप आउट बच्चों को वापस से एडमिशन मिल सकता है, प्लीज मेरा फिर से एडमिशन करवा दीजिए। मैं अपनी फैशन डिजाइनिंग पूरी करना चाहती हूँ। अगर मैंने अपनी फैशन डिजाइनिंग पूरी कर ली तो मुझे आगे काम मिल सकता है जिससे मैं पैसे कमा सकती हूँ। अच्छा, मतलब तू चाहती है तो सुबह सुबह कॉलेज निकल जाए और शाम को आए और मैं घर पर रहकर सुबह से शाम तक काम करती रहूं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मैंने पहले भी तेरा कॉलेज इसलिए ही बंद करवाया था क्योंकि तू पूरा दिन बाहर रहती थी। और तुझे क्या लगता है अब मैं खुद से तेरा एडमिशन करवाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। चल जा, अब जाकर कपड़े धो, 3 दिन से कपड़े ऐसे ही पड़े हैं। बेचारी लक्षिता अपनी भाभी की बात सुनकर उदास हो जाती है। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। फिर एक दिन लक्षिता की सहेली कियारा उसके पास आती है। क्या बात है लक्षिता, तू इतनी पतली कैसे हो गई? जब लास्ट टाइम तुझे देखा था तो तू एकदम गोलू मोलू सी थी। डाइटिंग कर रही है क्या आजकल? कुछ ऐसा ही समझ ले। अच्छा वैसे आज इतने दिनों बाद यहाँ कैसे आना हुआ? देख लक्षिता, ये तो तू भी जानती है और मैं भी कि तू कितनी अच्छी फैशन डिजाइनर है। और तुझे पता है कुछ ही दिनों में हमारे शहर में फैशन वीक होने वाला है और तुझे तो पता ही है कि मैं एक मॉडल हूँ, इसलिए मैं इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हूँ। लेकिन मेरे पास कोई अच्छी फैशन डिजाइनर नहीं है, इसलिए मैं तेरे पास आई हूँ। मुझे इस पूरे वीक में पहनने के लिए अलग अलग तरह की साड़ियाँ चाहिए और मैं चाहती हूँ कि उन साड़ियों का डिजाइन एकदम यूनिक हो, और मैं जानती हूँ ये काम केवल तू ही कर सकती है। कियारा शायद तू मेरे हालात नहीं जानती इसलिए मुझे ये काम दे रही है। मैं कुछ समझे नहीं। इसके बाद लक्षिता कियारा को अपनी सारी कहानी बताती है। अच्छा तो ये बात है। पर तू चिंता मत कर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं तेरा काम कर सकूँ। इसके बाद कियारा लक्षिता को अपनी सारी साड़ियों का मटेरियल देकर वहाँ से चली जाती है, परंतु ये सब कुछ निम्मी अपने कमरे से देख रही होती है। लक्षिता अब रोज सुबह और शाम काम करने के बाद बचे हुए समय में कियारा की साड़ियाँ तैयार करने लग जाती है। वो यूनिक डिजाइन की अलग अलग तरह की साड़ियाँ बनाकर तैयार करने लगती है और कुछ ही दिनों के अंदर वो कियारा के लिए सारी साड़ियाँ बनाकर तैयार कर देती है। सारी साड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। कल सुबह मैं कियारा को फोन कर दूंगी ताकि वो अपनी सारी साड़ियाँ ले जाए, वरना भाभी को पता चल गया तो गजब हो जाएगा। ऐसा कहकर लक्षिता सोने चली जाती है, परंतु निम्मी इसी समय का इंतजार कर रही होती है। वो चुपके से लक्षिता की बनाई हुई साड़ियों में आग लगा देती है जिससे कि लक्षिता की बनाई हुई सारी साड़ियाँ जलकर राख हो जाती हैं। सुबह जैसे ही लक्षिता अपनी साड़ियों को देखने जाती है तो अपनी साड़ियों की हालत देखकर उसकी आंखें भर आती है। ये सब कैसे हो गया? मैंने कितनी मेहनत से ये साड़ियाँ बनाई थी, किसने इन साड़ियों को जला दिया? अब मैं कियारा को क्या जवाब दूंगी? उसने जो मुझे साड़ी बनाने के लिए मटेरियल दिया था
वो कितना महंगा था। हे भगवान, मैं क्या करूं? ये सब सोच सोच कर लक्षिता जली हुई साड़ियों के पास बैठकर रोने लग जाती है। तभी कुछ ऐसा होता है जो लक्षिता ने बिल्कुल भी नहीं सोचा होता। उसके सामने उसकी स्वर्गवासी माँ की आत्मा प्रकट हो जाती है। माँ, तुम यहाँ? मेरी बेटी इतनी तकलीफ में है और मैं उसे ऐसे ही रोता छोड़ दूँ? ऐसा थोड़ी ही हो सकता है। बेटा, मैं जानती हूँ तेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। तेरी भाभी तुझ पर जो अत्याचार कर रही है वो बहुत गलत है, परंतु तुझे ऐसे टूटना नहीं है। तुझे हिम्मत बनाए रखनी है, इसलिए आज मैं तेरे पास आई हूँ। ये ले, ये एक जादुई साड़ी है। इस साड़ी से तू अपनी सहेली के लिए अलग अलग तरह की सुंदर साड़ियाँ मांग सकती है। ये तेरी सब इच्छा पूरी कर देगी और तुझे लड़ने की हिम्मत भी देगी। बाकी मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। ऐसा कहकर और लक्षिता को आशीर्वाद देकर लक्षिता की माँ की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन जब कियारा फैशन वीक के लिए साड़ियाँ लेने आती है, तो लक्षिता उस जादुई साड़ी से अलग अलग तरह की साड़ियाँ मांग कर कियारा को दे देती है। थैंक यू सो मच लक्षिता, मुझे पता है इतने कम समय में कोई भी इतनी सुंदर और यूनिक साड़ियाँ बनाकर तैयार नहीं करता, इसलिए मैं तेरे पास आई थी। सच में तो बेस्ट है। ऐसा कहकर कियारा वहाँ से चली जाती है, परंतु निम्मी जब ये सब देखती है तो उसका पारा चढ़ जाता है और वो लक्षिता के पास आकर उसके बाल खींचते हुए कहती है, मैंने तो तेरी सारी साड़ियाँ जलाकर राख कर दी थी, फिर तूने इतनी जल्दी इतनी सारी साड़ियों का इंतजाम कहाँ से किया? जल्दी बता, नहीं तो तेरे सारे बाल नोचकर अलग कर दूंगी। भाभी, ये सब इस जादुई साड़ी की देन है। माँ ने मुझे ये जादुई साड़ी दी थी और इसी की मदद से मैं कियारा को ये सब साड़ी दे पाई। अच्छा, तो ये है वो चमत्कारी जादुई साड़ी। अब इस साड़ी की मदद से मैं इस दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी और मुझे अब तेरी कोई जरूरत नहीं है। निकल जा मेरे घर से। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? आप लोगों के सिवा मेरे इस दुनिया में कौन है? मैं आखिर कहाँ जाऊंगी? लक्षिता बहुत गिड़गिड़ाती है, परंतु उसकी भाभी उसकी एक नहीं सुनती और उसे घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी लक्षिता सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर हो जाती है। वो गली के किनारे एक सड़क पर बैठी होती है कि तभी वहाँ से गुजर रही एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकती है। उस गाड़ी से कियारा बाहर आती है। लक्षिता, तो यहाँ क्या कर रही है? अच्छा, ये सब छोड़, आज फैशन वीक का लास्ट दिन है और आज ही विनर भी अनाउंस होगा। मुझे तो पक्का लगता है कि मैं ही जीतूंगी, क्योंकि स्कोर के हिसाब से मैं ही सबसे आगे चल रही हूँ। चल, तू भी मेरे साथ चल। ऐसा कहकर कियारा लक्षिता को अपने साथ ले जाती है और ऑडियंस में बिठा देती है। कुछ ही देर में फैशन वीक का लास्ट दिन शुरू हो जाता है और एक एक करके मॉडल रनवे पर आने लग जाती हैं और जजेस उनकी अनाउंसमेंट और उनके स्टाइल को स्कोर देने लगते हैं और फिर सारी कैलकुलेशन के बाद विनर अनाउंस किया जाता है। एंड द विनर इज मिस कियारा। इस फैशन वीक को कियारा जीत जाती है। ये देखकर लक्षिता को बहुत खुशी होती है। फैशन वीक में एक बहुत ही बड़ी हीरोइन भी आई होती है। वो कियारा के पास जाती है और उससे पूछती है, कियारा, मैंने तुम्हारे फैशन वीक के सारे आउटफिट देखे हैं। तुमने जो जो साड़ी पहनी है वो सब मैंने देखी है। सबकी सब बहुत सुंदर और बहुत ही यूनिक है। मुझे तुम्हारे फैशन डिजाइनर का नंबर चाहिए। क्या तुम मुझे उनका नंबर दे सकती हो? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी फैशन डिजाइनर मेरे साथ आई है। इसके बाद कियारा लक्षिता को अपने पास बुलाती है। ये देखिए, ये मेरी फैशन डिजाइनर है। इसका नाम लक्षिता है और इसी ने मेरी सारी साड़ियाँ डिजाइन की है। सच में लक्षिता, आपने तो कमाल कर दिया। मुझे आपकी सारी साड़ियाँ बहुत पसंद आई। वैसे अभी आप किसी हीरोइन या फिर सेलिब्रिटी के लिए काम कर रही हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर एक काम करिए, आप मेरी फैशन डिजाइनर बन जाइए। मैं आपको 1,00,000 महीने की सैलरी दूंगी और आपका खुद का एक अपार्टमेंट होगा। लक्षिता उस हीरोइन को हाँ कर देती है और उसके साथ काम करने लग जाती है। इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं। इस बीच लक्षिता को अपनी भाभी और भाई की याद आती है, इसलिए वो अपने घर जाती है। परंतु जैसे ही वो घर जाती है तो अपनी भाभी को व्हील चेयर पर पाती है। भाभी, ये सब क्या हो गया? कुछ नहीं लक्षिता, बस मुझे मेरे किए की सजा मिली है।
जब मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाला उसके बाद मैंने उस जादुई साड़ी से कुछ मांगा, परंतु उस साड़ी में से सांप निकलने लगे और सांपों ने मेरे पैर पर कई बार काट लिया, जिसकी वजह से मेरे पूरे पैर में जहर फैल गया। ये तो अच्छा हुआ तुम्हारे भैया समय पर आ गए और मुझे हॉस्पिटल ले गए, क्योंकि जहर सिर्फ पैर में फैला था, इसलिए मुझे बचाने के लिए डॉक्टर ने मेरे पैर काट दिए। मुझे तो लगा था कि मैं तुमसे कभी मिल ही नहीं पाऊंगी। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई, मुझे माफ कर दो लक्षिता। अपनी भाभी की ये हालत देखकर लक्षिता उन्हें माफ कर देती है और फिर अपने फैशन डिजाइनिंग के कामों में बिजी हो जाती है, परंतु वो अपने भाई और भाभी को नहीं भूलती है और बीच बीच में उनसे मिलती रहती है और इसी तरह हंसी खुशी रहने लग जाती है।